नमस्कार, मैं हूं शारदा जायसवाल। आप देख रहे हैं इन24 न्यूज। आइए एक नजर डालते हैं मुंबई महाराष्ट्र की 10 बड़ी खबरों पर। आज से शुरू हुआ सावन का महीना। सावन के पहले सोमवार के दिन बाबा भोलेनाथ के दर्शन के लिए शिवालयों में उमड़ रही भक्तों की भारी भीड़। प्रेम और हरियाली का प्रतीक है यह पर्व। मुंबई समेत पूरे राज्य में लगातार जारी है जोरदार बारिश। मौसम विभाग ने लोगों से की अपील की जरूरत पड़ने पर ही घर से निकले बाहर। नवी मुंबई से आया हैरान कर देने वाला मामला। भारी बारिश के बीच बेलापुर डैम में फंसे 60 पर्यटक। मौके पर पहुंची नवी मुंबई रेस्क्यू टीम ने बचाव अभियान शुरू कर सभी को सुरक्षित निकाला बाहर। महज 10 घंटों में 100 मिलीमीटर दर्ज हुई मुंबई में बारिश। मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में लगातार हो रही बारिश को लेकर मौसम विभाग ने किया अलर्ट। IMD के मुताबिक आज पालघर, मुंबई, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, थाना, सतारा के घाटों में अलग अलग जगहों पर मध्यम बारिश होने की है संभावना। भारी बारिश के बीच नागपुर जिला कलेक्टर डॉक्टर विपिन इटनकार ने की बड़ी घोषणा। आज यानी कि 22 जुलाई को जिले के सभी स्कूल, कॉलेजेस और कोचिंग क्लासेस रहेंगे बंद। भारतीय रेलवे ने इस साल भी गणेश उत्सव के लिए मुंबई और कोकण के बीच 202 विशेष ट्रेनें चलाने की योजना को दी हरी झंडी। स्पेशल ट्रेनों का रिजर्वेशन कल से हुआ शुरू, लेकिन बुकिंग शुरू होते ही 8 मिनट में बिक गई कोकण रेलवे की गणपति स्पेशल ट्रेनों की सभी टिकट फुल हो जाने के बाद बाकी यात्रियों में दिखी भारी नाराजगी। महाराष्ट्र के पुणे जिले में भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शरद पवार और उद्धव ठाकरे पर बोला तीखा हमला। शरद पवार को उन्होंने भ्रष्टाचार का बताया सरगना, वहीं उद्धव ठाकरे को औरंगजेब फैन क्लब का बताया नेता। मुंबई में लगातार हो रही बारिश से मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली लोकल ट्रेन की तीनों लाइनों पर यातायात हुआ प्रभावित। रेलवे लाइन पर लोकल ट्रेनें 15 से 20 मिनट की देरी से चल रही, जिससे यात्रियों को हो रही काफी परेशानी। महाराष्ट्र के नासिक जिले से आया हैरान कर देने वाला मामला। नासिक के सरकारी स्कूल में मिड डे मील में मिला कीड़ा, जिसके बाद छात्रों में मचा हड़कंप। भारी बारिश के बीच नागपुर से आया हैरान कर देने वाला मामला। नागपुर जिले में बारिश के बीच अलग अलग घटनाओं में बाढ़ के पानी में बह जाने से एक व्यक्ति और एक बुजुर्ग महिला की हुई मौत। वहीं नाले में बहा 12 वर्षीय युवक, जो अभी भी है लापता। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही ताजा तरीन अपडेट्स को जानने के लिए इन24 न्यूज चैनल के साथ बने रहिए और इन24 न्यूज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।